वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आपको पता होगा कि बजट जब पेश किया जाता है देन उसमें कुछ टैक्स सिस्टम में चेंजेस होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ होते हैं। जो बजट पेश हुआ था वो हुआ था फरवरी के महीने में, जो किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने पेश। लेकिन जो बदलाव है वो लगते कब से हैं? वो लगते हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल से ही इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल to 31 मार्च चलता है। इसीलिए बैंक्स में भी क्लोजिंग जो होती है वो 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। तो टैक्स के नियम में 1 अप्रैल से क्या बदलाव हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? एंड आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी ये समझ लीजिए स्टार्ट हो गई हैं, ये उसी का पार्ट है ये सारे वीडियोस। एंड आपको आज शाम को एक इंग्लिश की मैं बुक प्रोवाइड करूंगा जो आपको धीरे धीरे करके सॉल्व करनी है, वो बुक पूरी पढ़नी है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में वो बुक आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ में इंग्लिश की क्लासेस भी मिलती रहेंगी ताकि आप वो बुक समझ भी इजली पाएंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। न्यूज़पेपर आज का अपलोड हो चुका है, वो भी आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बदलाव हो क्या रहा है। नंबर 1, LTCG। अभी LTCG क्या है? LTCG है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मींस आप अगर शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं वहां पर, जहां पर रिटर्न बहुत दिनों बाद आना है, बहुत ही लॉन्ग टर्म में आना है, 8 साल 10 साल बाद उसका रिटर्न आना है, तो अगर आपकी इनकम वहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पर 10% का जो है टैक्स आपको देना होगा। सपोज आपकी 1.5 लाख इनकम है तो 1.5 लाख में से 1 लाख आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, जो भी आपने गेन किया है। रिमेनिंग 50,000 का आपको 10% देना होगा, यानी टोटल 5,000 रुपए देने होंगे। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 10% कर दिया गया है 1 लाख से ऊपर की इनकम पर। दूसरा चेंज ये हुआ है ई वे बिल जो है वो लागू कर दिया गया है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर ई वे बिल परचेज करना होगा उस ट्रांसफर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एंड ये वेबसाइट है जहां से परचेज किया सकता है, ई वे बिल GST.gov.in, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, वेबसाइट यही, आप गूगल कर सकते हैं। तो ई वे बिल किनको परचेज करना होगा उसके लिए कंडीशन है, पहली तो ये कि जो सामान की कीमत है वो 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे आप वो होना चाहिए ग्रेटर देन 50 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और सामान की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है सेस जो आपका है वो 1% बढ़ गया है। तो जो आपके सेस लगते थे, बहुत तरह के सेस लगते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के लिए सेस लगता है, कृषि कल्याण सेस लगता है, एंड आपका स्वच्छ भारत सेस भी लगता है, देन ये जो सेस बढ़ा है 1%, ये हेल्थ एंड एजुकेशन में बढ़ा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। ये कितना बढ़ा है? ये 1% बढ़ गया है। 1% बढ़ा है मतलब 3% था, अब ये जाके 4% हो गया है। चौथा चेंज ये आया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 40,000 हो गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब कोई भी उसमें कैटेगरी नहीं देखी जाएगी कि इनकम 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है। 40,000 की जो छूट है वो जिसमें टैक्स नहीं लगेगा वो सबको मिलेगी, मींस आपकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम है उसमें से 40,000 घटा दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम 1 लाख रुपए आ रही है तो इसमें से क्या होगा, 40,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, जो आपको टैक्स पे करना होगा वो 1,500 रुपए पे करना होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हो गया है। पहले एक्चुअली ये डिडक्शन ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पर 19,200 एंड 15,000 मेडिकल अलाउंस के नाम पर एम्प्लॉयज को मिलता था, बट अभी ये स्टैंडर्ड हो गया है तो ये सबको मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर वर्क कर रहा है। पांचवा जो चेंज है वो ये है कि फिफ्थ चेंज में ये है सीनियर सिटीजन के लिए है कि सीनियर सिटीजन की जो सेक्शन 80DDA है हमारा, सेक्शन 80DDA, तो जैसे सपोज कोई सीनियर सिटीजन FD फिक्स डिपॉजिट अगर आपने कभी बैंक में कराई होगी तो ये देखा होगा कि फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो 1 साल में 10,000 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो उस पर TDS काटा जाता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए अब 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। मतलब सपोज उनके पास FD है 10 लाख 15 लाख 20 लाख की FD है, और जो ईयरली
इंटरेस्ट आ रहा है वो अगर 50,000 रुपए से कम आ रहा है देन उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। एंड नॉर्मल पर्सन के लिए, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए ये अभी 10,000 ही है। और नेक्स्ट ये है जो एनपीएस, एनपीएस से अगर 40% तक की रकम जो निकालेंगे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ऑल दो ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पहले से था, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है उनके लिए ये नहीं था। तो अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी ये नियम आ गया है कि 40% अगर एनपीएस का आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स दे नहीं होगा। एक और बदलाव जो हुआ है वो भी अगेंस्ट सीनियर सिटीजन के लिए ही हुआ है। वो ये हुआ है कि पहले क्या होता था, अगर सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है तो 60,000 रुपए तक के इलाज जो उसका था वो टैक्स फ्री था। एंड अगर उसकी एज 60 से 80 के बीच है, एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन की एज 80 से ज्यादा है तो 80,000 रुपए तक का उसका इलाज जो था वो टैक्स फ्री था, नॉट फ्री, टैक्स फ्री। ओके, तो अब ये दोनों लिमिट बढ़ाकर सेम कर दी गई हैं और दोनों कर दी गई हैं 1 लाख। मीन्स अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कर रहा है और इलाज पर 1 लाख रुपए या उससे कम खर्चा आ रहा है तो उस इलाज के खर्चे पर कोई भी टैक्स दे नहीं होगा। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि आपके 1 अप्रैल 2018 से लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स में। एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स और मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर कर लीजिए हमारी वेबसाइट www.goldencareer.co.in पर जाकर। एस आप जो हम बुक डाउनलोड कर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो न्यूज पेपर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, जो आप यूजर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, फैकल्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।